दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले नियो के बारे में। अगर आप नियो को नहीं जानते तो आपको बता दूं, नियो एक तरह का फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। IDFC, यस बैंक ऐसे कई सारे बैंक के साथ पार्टनरशिप है, जिसके बाद में आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। मेन हुआ यहाँ पे ये उड़ रखा है कि सेविंग अकाउंट आप ओपन करवाते हो नियो के अंदर तो यहाँ पे 7% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, जबकि दूसरे बैंक के पास अगर आप जाते हो तो इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट पे 3-4% मिलता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा हवा मच रहा है नियो के अंदर आप अकाउंट ओपन करवाए। लेकिन यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाने से पहले आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे फॉलो करना है आपको, जिसके बाद में ही ये सारे सर्विसेज अवेल कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स और भी है नियो के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं एक अल्टरनेटिव आपको बताने वाला हूँ जहां पर आप नियो के अंदर अकाउंट नहीं भी ओपन करते हो तो भी आप 7% इंटरेस्ट दूसरे जगह से भी ले सकते हो। तो क्या अल्टरनेटिव है, कौन सा बेहतर होगा आपके लिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर हम नियो की बात करते हैं तो नियो में अगर आपको 7% पर एनम के हिसाब से सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना होता है 10,000 रुपीज मेंटेन करना होता है नियो के अंदर। वहीं नियो के अंदर एक और चीज बताया गया है कि आप अनलिमिटेड कैश विदड्रॉ कर सकते हो किसी भी ATM से। तो यहाँ पे इसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको 25,000 रुपये मंथली बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना होगा, तभी आप यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कैश विदड्रॉ कर सकते हो किसी भी ATM से। वहीं पे अगर आपके पास जो मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन होता है वो अगर 25,000 से कम का है तो यहाँ पे आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं, उसके बाद में आपको चार्ज किए जाते हैं। तो अदर बैंक के जैसे ही हो गया, अगर यहाँ पे आपको 7% इंटरेस्ट चाहिए तो 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना ही होगा। उसके अलावे अगर ये आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए आपको 25,000 रुपये मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर है कि इतना पैसा आप दीजिए आप उनको, उसके बाद में ये सारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेक्स कार्ड वगैरह बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिव आपके लिए ये है कि आप अगर नियो के अंदर अकाउंट नहीं ओपन करते हैं तो आप पेटीएम के साथ में जा सकते हो। पेटीएम में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। शायद आपको पता ना हो लेकिन अगर आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर अकाउंट अपना ओपन कर रखा है तो यहां पे आप मिनिमम 1,000 रुपए से भी डिपॉजिट FD कर सकते हो, और FD करने के बाद में आप 7% तक इंटरेस्ट ले सकते हो। अब आप कहेंगे यार FD करेंगे तो इसे ब्रेक करने पे यहां पे तो पेनल्टी वगैरह लगता है, तो यहां पे आपको बता दूं कि 0 पेनल्टी है। अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर कोई भी अकाउंट रखते हो तो यहां पे अकाउंट रखते हो उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हो 1,000 रुपए से 1,00,000 रुपए, जो भी आप अमाउंट जहां पे डिपॉजिट करते हो एफडी करते हो उसमें आपको जब चाहिए पैसे निकाल लो एफडी से और जब चाहिए आप एफडी के अंदर डाल दो। इसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी भी नहीं लगने वाला और यहां पे आप 7% पर एनम के हिसाब से यहां पे इंटरेस्ट ले सकते हो उनसे। 7% पर एनम यहां पे एफडी पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके अलावा यहां पे जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का जो प्रेशर होगा आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप 0 मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हो पेटीएम के अंदर। तो ये फीचर आप यहां पे अवेल कर सकते हो। ATM ट्रांजैक्शन आप जितना ज्यादा करेंगे उसके हिसाब से चार्ज होता है। यहाँ पे 4 या 5 ATM ट्रांजेक्शन कुछ फ्री दिए जाते हैं पेटीएम की तरफ से। लेकिन अगर आप यहाँ पे भाग रहे हो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए नियो के पास, क्योंकि सिर्फ 7% आपको पर एनम यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि आप पेटीएम के साथ में जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी प्रेशर नहीं है कि 10,000 रुपीज आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना ही है। और ट्रांजेक्शन वगैरह तो आप जानते होंगे, जैसे कि आप 25,000 वहाँ पे भी मेंटेन करते हो तभी आप यहाँ पे आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो ATM के थ्रू। तो यहाँ पे आपको बेहतर सर्विसेज मिल रहे हैं, आपको कोई भी यहाँ पे प्रेशर नहीं है कि मंथली बैलेंस कितना मेंटेन करना है। और अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं तो अगर आप नियो के अंदर अकाउंट ओपन करते हो तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए हो, तो वहाँ पे ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन कर सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन पेटीएम में अकाउंट आपका ओपन करना है तो यहाँ पे पेटीएम का यहाँ पे KYC सेंटर एक बार आपको विजिट करना होता है। तो ये आपको एक बताना था कि नियो पेमेंट्स बैंक इतना जो हवा उड़ रखा है 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि यार अगर आपके पास बजट कम है, आप ज्यादा मेंटेन नहीं करना चाहते बैलेंस, तो आप पेटीएम के साथ में जाइए और 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लीजिए एफडी करके कोई भी मिनिमम बैलेंस के साथ में। तो बस एक छोटा सा वीडियो यही था, होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को तो अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं अगले, तब तक ले टेक केयर, बाय गाइस।